ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात दिल्ली पुलिस के सामने आई उन चुनौतियों की, जिसने खाकी के ताफ्तीश पर सवाल खड़े किए हुए। दिन दहाड़े लूट की वारदात हो या फिर मर्डर की घटनाएं, कई ऐसे मामले हैं जो आज भी पुलिस फाइलों में कैद। चलिए आपको दिल्ली की एक उस घटना के बारे में बताते हैं, जिसे यूं तो दो दिन गुजर चुके हैं। दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात हुई थी यहाँ, लेकिन दो दिन बाद भी दिल्ली पुलिस ना तो बदमाशों तक पहुंच पाई और ना ही मामले का कोई सुराग लगा पाई। देश की राजधानी दिल्ली, जहां लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के पहरे तो बहुत होते हैं और दावों की भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन जब दिन दहाड़े कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो खाकी के सुरक्षा वाले दावों पर आम लोगों का भरोसा उठना लाजमी है। अब सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल ये तस्वीरें दो दिन पुरानी है, यानी एक ज्वेलर्स की शॉप पर दिन दहाड़े हुई इस घटना को दो दिन गुजर चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस घटना को लेकर फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। चलिए पहले इन फुटेज को देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि क्या दिल्ली में बदमाशों के बीच पुलिस का डर है। यहाँ एक एक कर तीन बदमाश पहुंचते हैं, चेहरे पर हेलमेट ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। फिर ये शातिर अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ मौजूद लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है और की जाती है लूट की वारदात। एक लड़का आता है अंदर और आते ही पॉकेट में से गन निकालता है और आते ही हमें कहता है कि खड़े हो जाओ और जितने भी यहाँ मोबाइल है जल्दी मोबाइल बाहर निकालो। और हम बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें गन पॉइंट पे रख के उन्होंने कहा कि सारे के सारे अंदर हो जाओ और जितने भी मोबाइल है बाहर निकालो। फिर एकदम से उन्हें हमारे जो बड़े सर है वो उन्हें पता नहीं था वो अंदर है, एकदम से उन्हें आवाज़ आई कि कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि फोन पे कोई बात कर रहा है जल्दी भागो जल्दी भागो। दरअसल दिल्ली के शालीमार बाग के एबी ब्लॉक की एक ज्वेलर शॉप पर हुई लूट की ये पूरी वारदात यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद। अपने हाथों में रिवॉल्वर लिए इन युवकों को लगता है कि किसी का डर नहीं होता, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि दुकान के अंदर बने एक कैबिन में दुकान मालिक होता है और वो पूरा मामला भांप लेता है। लेकिन वो पुलिस को फोन करता इससे पहले ही बदमाश यहां से लाखों के जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। बस यहां गनीमत ये रही कि बदमाशों ने यहां अपने पिस्टल का निशाना किसी को नहीं बनाया और सामने तो ये भी आया है कि यहाँ इन युवकों ने हवाई फायर भी किए। लड़के थे 18 से 22 साल के बीच में जी। पहले एक आदमी उसने हेलमेट पहना हुआ था और नकाब पहले उसके रुमाल बंधा हुआ था उसके ऊपर हेलमेट था जी। अंदर आते ही उसने गन निकाल ली जी और इन लड़कियों को और स्टाफ को ब्रदर का पीछे की तरफ खाया एक साइड पर हो गई जी। उसके बाद पीछे से दो आदमी और आए हैं, वो उन्होंने भी गन निकाल ली। इस काउंटर तक आए हैं, इस काउंटर से एक आदमी कूद के अंदर आया, पूरे स्टाफ को अंदर कर दिया। मैं अंदर वाले रूम में था, मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा उन्हें, तो मैंने पीसीआर कॉल करनी चाहिए तो इतनी देर में कि उन्हें भी पता लग गया कि कोई पुलिस को फ़ोन कर रहा, सिर्फ वो इस काउंटर का माल उठा पाए और बाकी। यहाँ कारोबारी कहता है कि अब वो खुद को महफूज नहीं समझते। जब दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो तो फिर खाकी पर आखिर भरोसा करें भी तो कैसे। करीब 50 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी आरोपी तक नहीं पहुंच सकी। सवाल तो है ही।
फास्ट इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।